नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला 2019 हमारे सभी श्रोतागण के लिए बहुत बहुत अच्छा हो। हम सभी के उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और तरक्की की कामना करते हैं और हम चाहते हैं आने वाले वर्ष में हमारी सरकार फिर से बने ताकि मोदी जी के जो अधूरे कार्य हैं वो पूरे हों और जनता तक पहुँचें। वैसे इन वर्षों में भी जितने काम हुए हैं वो 60 साल में नहीं हुए हैं, जो 4.5 साल में किए गए हैं। और जिनमें कुछ तो ऐसे हैं, स्वच्छ भारत अभियान, इसमें स्वच्छता इतनी आई है, बीमारियां इतनी कम होंगी जिसका कोई ठिकाने नहीं। हर घर में शौचालय दिया गया है, हर घर में गैस का प्रबंध किया जा रहा है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां बत्ती ना हो। हर गांव मदरे में बिजली पहुंचाई गई है, हर घर में बिजली पहुंचाई जा रही है, चाहे शहर हो या देहात, अब बिजली हर जगह पहुंचेगी। जहां पहले बिजली उत्तर प्रदेश के सिर्फ 4-5 ज़िलों में ही आती थी, अब उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में उतनी ही बिजली आती है। और हालत तो अब ये हो गई है, पहले लोग कहते थे बरेली में बिजली आती ही नहीं, अब कहने लगे हैं बरेली में बिजली जाती ही नहीं, हर वक्त यहाँ पर लोगों को बिजली मिलती है। इसके साथ ही साथ नौजवानों को अटेस्टेशन की सुविधा उन्होंने दी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर युवक के लिए, जो कहीं भी सर्विस के लिए अप्लाई करे, इम्तहान के लिए अप्लाई करे, इंटरव्यू में जाए, तो उसको बहुत सी चीज़ों की अटेस्टेड फोटोकॉपी ले जानी होती थी, जिसके लिए वो किसी गजेट ऑफिसर को ढूंढे या किसी विधायक को ढूंढे। अब उन्होंने कर दिया, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, हर नौजवान को उन्होंने गजेट ऑफिसर बना दिया, बोले अपनी कॉपी स्वयं अटेस्ट कर लो। इसी तरह से हर ग्रामीण का, हर शहरी का, हर गरीब का, चाहे उसके पैसे हैं या नहीं, ज़ीरो अकाउंट पर उसका अकाउंट खुलवा दिया, ताकि जो भी उसको राशि पहुंचानी है, चाहे किसान हो, गेहूं खरीदा या धान खरीदा उसका पैसा देना है, किसी वृद्ध महिला को या किसी वृद्ध को, निराश्रित महिला को, विकलांग को पेंशन देना है, तो वो सीधी उसके अकाउंट में आए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, उनके ज़माने की बात थी वो, कि अगर हम 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं तो आम आदमी तक, गरीब आदमी तक पहुंचने में वो 12 पैसे रह जाते हैं। लेकिन आज मोदी जी के ज़माने में अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पूरा उसके अकाउंट में पहुंचता है और तुरंत पहुंचता है। इसी के साथ साथ मोदी जी ने एक्सीडेंट इंश्योरेंस शुरू किया है, जिसके अंतर्गत 12 रुपये साल में कोई भी आदमी अपना इंश्योरेंस करा सकता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस करा सकता है, जिसमें उसे खुदा न खास्ता अगर कोई बात हो जाए तो उसे 2 लाख मिलेंगे। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस कवर 320 रुपये में होता है, ताकि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख, असामयिक मृत्यु होती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरह से किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं इस समय में की गई, जैसे सॉयल टेस्टिंग, ज़मीन की, मिट्टी की जांच, जिससे पता लगेगा तुम्हारी मिट्टी में क्या कमी है, तुम्हारे खेत में कौन सी फसल अच्छी होती है, ताकि किसान भाई वही खाद डालें, वही चीज़ की पैदावार करें, ताकि उनकी आमदनी दुगनी हो। उसके साथ ही साथ उन्नत किस्म के बीज दिए जा रहे हैं और किसानों को इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का उसूल रखा गया है, इस तरह से किसानों की आमदनी दुगनी की जा रही है। किसानों को टेक्नोलॉजी सिखलाई जा रही है, किसानों को बताया जा रहा है कि अपने पेड़ की मेड़ पर पेड़ लगाओ, ताकि जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो इकट्ठा धन मिलेगा। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं हैं, सुकन्या योजना, जो लोग समझते हैं लड़की परिवार के अंदर एक अभिशाप है, उनके लिए भी उन्होंने सुकन्या योजना शुरू की है। 14 साल तक 1,000 रुपये महीना दीजिए, जब लड़की 21 साल की होगी तो 6.5 लाख रुपये उसे दी जाएंगे। इसी तरह की इतनी योजनाएं हैं, अगर सब बताने चलेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन योजनाएं नहीं समाप्त हो पाएंगी। और इस तरह से उन्होंने बहुत सी योजनाएं की। खबर बरेली की, बरेली से बी टीवी
बरेली की आवाज़।